कहाँ जा रहे हो? नदी नहाने? सावन लेकर जा रहे हो? आप लोग इंडिया के हो ना, और उस तरफ भूटान के? बस उसका उस तरफ भूटान है और इस तरफ इंडिया। भाई ये कोई साधारण टॉयलेट नहीं है, हो सकता है आपको ये देखने के लिए साधारण टॉयलेट लग रहा है, बट ये टॉयलेट है ना, ये लाजवाब है, क्योंकि ये लास्ट इंडियन टॉयलेट है नियर भूटान। जो मैं बात कर रहा था तो इनका बात कर रहा था भाई, इस सब यहाँ से देखो, ये व्यूज अगर देखोगे ना आपको पागल कर देगा। और ये जो नदी है अभी सूखा हुआ है, देखो यहाँ से पत्थर उत्थर उठा जा रहा है, बट जब ये बारिश होता है ना यहाँ पे फाड़ देता है यार, कभी भी यहाँ पे बारिश आ करके ये पानी को भर सकता है। और यहाँ पे देखो रोजी रोजगार के लिए, घर के लिए यहाँ से ये ला रहे हैं, और यहाँ से मुझे ऊपर से घर दिख रहा है, हम वो घर तक जाएंगे। व्यूज जो है ना काफ़ी अलग सा लगता है, पहाड़ का सीन्स जो नजर आते हुए, इज ऑसम। देखो यार इनके बारे में अगर बात करो ना तो इज ऑसम प्लेस। यहाँ से मुझे वो जो पहाड़ है भूटान का पहाड़ या फिर यहाँ का इंडिया का पहाड़, वो मुझे बिल्कुल यहाँ से साफ नज़र आ रहा है, शायद आप लोग को नज़र आ रहा है कि नहीं, बट जब भी आओगे आप ये फील यहाँ पे ये मज़ा कर पाओगे। जैसे ड्राई नदी, जैसे एशियन जो सीजन नदी कह सकते हैं, जब सीजन होता है बरसात होता है तभी यहाँ पे बारिश होता है, अदरवाइज यहाँ पे बारिश नहीं होता है। तो लेट्स गो वे हिट। देखो लोग यहाँ से आते हुए जाते हुए, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्ट्रोक। तो हम इस ब्रिज में जाएंगे आज काफ़ी दिनों के बाद में। ये ब्रिज जो है पानी से थोड़ा ऊपर में बनाया गया है, क्योंकि इसे बनाने के लिए यहाँ पे कंक्रीट का नहीं, यहाँ पे पूरे इस ब्रिज को बनाने के स्टील का इस्तेमाल किया गया है, और काफ़ी सुंदर और बेहतरीन ब्रिज है। आपको भी मज़ा आ जाएगा यहाँ पर ये व्यूज़ देख, और यहाँ का ये वाव वो देखो कुछ लाते हुए, देखा कोई गाड़ी आते हुए पीछे से। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे खड़ा करके एक पिक ले लूँ, बट गाड़ी आते हुए पीछे नहीं कर सकते हैं वो, मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, या फिर आप यहाँ से देख नहीं सकते हो, आपको यह नज़ारा देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और इस समय मैं हूँ इस तरफ सेंट्रल डुअर से, और उसका आगे भूटान का घर दिख रहा है, और इस तरफ कलचिनी। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, इस वीडियो कंटिन्यू करो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसा करके आप यहाँ पे आ सकते हो। ये सूखा हुआ नदी है, और ये देखो यहाँ पे ये पत्थर उठाया जा रहा है, पता है ये पत्थर अंडर साइज या फिर बोल्डर कहते हैं ऐसे, यहाँ से बोल्डर उठा करके लिया जा रहा है दूसरे जगह पे। चलो हम तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, उस तरफ घर दिखा दे रहा है भूटान का। मज़ा आ रहा है यार ये रोड वे ड्राइव करके। ये काफ़ी बड़ा ब्रिज है, काफ़ी लंबा है, यहाँ पे बरसात में पूरा पानी भर जाता है, कूट कूट के वहाँ से भी भरता है यहाँ से भी भरता है, मतलब अभी तो ये टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, बट जब बरसात होता है ना तो घातक हो जाता है। बट अभी ये देखो, ये मत सोचो कि यहाँ पे बहुत ही ख़राब रास्ता, बट ऊपर जब जाएंगे ना तो आपका दिल जीत लेगा भाई, दिल जीत लेगा। बस दैट्स इट। और यहाँ पे देखो काफ़ी खूबसूरत यहाँ से और रोड मिल जा रहा है, यहाँ पे छोटा सा दुकान है, आप यहाँ से अब जा सकते हैं अंदर। फिलहाल हम अभी सेंट्रल डुअर्स के लिए निकलते हैं। सेंट्रल डुअर्स जाने के लिए इतना खतरनाक रास्ता देखो, पहले तो पानी से भर के अब जैसे तैसे आ जाओ, उनके बाद में यहाँ पे देखो जंगल का रोड है, वाह क्या बात है। डुअर्स कुछ एक ब्यूटीफुल, यार मैं आपको पहले बताया था कि डुअर्स इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल, एंड अलीपुर डुअर को डुअर्स मतलब ब्यूटीफुल कर दिया गया है। देखो ये लोग लकड़ी उठा रहे हैं घर के लिए या फिर बेचने के लिए, देखो आ गया, इसे बोलते हैं एडवेंचर। भाई कहाँ से लो भाई, यहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ से ले लूँ तो बेटर रहेगा। वाह नदी यार, डुअर्स में नदी का कमी नहीं है यार, बट पानी का कमी है। नदी हर जगह मिल जाएगा बट पानी हर जगह नहीं मिलेगा, सूखा हुआ नदी, वंडरफुल। वो देख यार पहाड़ देख रहा है ना, घर भी देख रहा है ना ऊपर में, बस यही मज़ा करो भाई, यही दिखाने के लिए आया था मैं आप लोगों को, अगर नहीं देखोगे तो क्या करूँगा। देखो यार इतना दूर से आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, सभी तो बोलते हो डुअर्स डुअर्स डुअर्स, अभी ये देखो, ये देख भाई ये देख, वाह ये देख, ये रहा सेंट्रल डुअर्स, इसे कौन बनाया था? आप लोग बोलते हो ना कि डुअर्स डुअर्स डुअर्स, मैं आपको आज सेंट्रल डुअर्स बता दिया भाई। सेंट्रल डुअर्स लास्ट होता है अलीपुर डुअर डिस्ट्रिक्ट कल्चर ब्लॉक के अंदर में, अगर आप आना चाहते हो वेस्ट बंगाल में इंडिया में,
तो हाउ टू रीच हियर, जस्ट कंटिन्यू माई वीडियो, आई विल टेल यू हाउ टू रीच हियर। ये देखो सेंट्रल डुअर्स, मज़ा आएगा, और भी मज़ेदार व्यू है। बस देखते रहो, उस तरफ पहाड़ है और उसके आगे भूटान है। चलो इन व्हीकल से पूछेंगे भाई। ये रास्ता पहाड़ तक जाता है ना, पहाड़ तक, और ये वाला पसा का ना, यहाँ से कितना दूर है पसा का? दो किलोमीटर है ना, सब तो दिखाई पसा का पहुँच जाएगा ना। और निकल रहा है ना वो, हाँ हाँ वो सब पसा का ही है, पसा का है ना। और ये यहाँ तक कितना दूर है? ये बस यहीं तक, यहीं तक, उधर जाने नहीं तक, बस वहीं पे। आर्मी बीएसएफ ब्लॉक है ना, भूटान का है, भूटान का है। चलो फिर भी एक बार जाके विजिट करके आ जाते हैं। और उस तरफ तो जाने देता है, नदी है, नदी से क्या क्या वोटर कार्ड देखता है क्या उधर? उधर नहीं, उधर में दिखता है, यहाँ पे नहीं देखता है। नदी तक हम जा सकते हैं, मतलब भूटान घुसेंगे तो देखने के लिए मिलता है। भाई स्कूल से आ रहे हो? कौन सा वाला स्कूल है? ये वाला। उधर जाने के लिए मिलता है? मिलता है ना। कितना दूर मिलता है पहाड़ तक? नहीं नहीं, इधर नहीं मिलता है क्या जाने के लिए? मिलता है ना, ठीक है। स्कूल छुट्टी हो गया भाई? इधर भूटान बॉर्डर किधर है? इधर ना, इधर इधर है ना। चलो भाई इधर बताया गया, यहाँ पे आएंगे अगर मिल गया तो अच्छी बात है। भाई साहब, और आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है जी? इससे आगे नहीं है, वो वही लास्ट है ना? हाँ बस वही लास्ट, वही बॉर्डर है। नहीं बॉर्डर तो ये सामने है। हाँ, और यही लास्ट है ना बॉर्डर? यहाँ से पैदल जाने से मिलता है बॉर्डर? जी बिल्कुल नहीं, जी नहीं मिलता है ना। नहीं मिलता। वो आगे से पासा कैसे जाना पड़ेगा? इधर से जाना। ओके थैंक यू, वेलकम। चलो यार यहाँ से घुमा लेते हैं, यहाँ तक लास्ट है इनका रास्ता। हमें उस तरफ यही देख लो, देख लो यहाँ पर काफ़ी वेरी ब्यूटीफुल, सच ए ग्रेट प्लेस, ऐसा जिंदगी है। चलिए आपसे देखते हैं, हम अभी वापस चलते हैं, ठीक है? अब वापस जाकर तो उस तरफ देखेंगे मजे। वाह, जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस होना तो अलग सा लगता है। आप आगे जा रहे हैं क्या? जी। आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। चलो मैं वहाँ पे था, वो गांव पे, बट उस तरफ से लस एरिया नहीं है, तो जो धुआं आ रहा है ना वहाँ तक गया था मैं। अभी यहाँ पे जाएंगे, अभी देखो यार क्या नसीब है ना। अभी देखो यहाँ पे टी गार्डन को, यहाँ पे पत्ती उठा ले आ जा रहा है। मुझे जाना था वो अलग अलग रोड में, दूसरा वाला रोड पे, बट यहाँ पे इतना खूबसूरत मुझे व्यू दिखाना, मैं अटक नहीं पाया। या Oh my God, this is the Bhutan, huh? Pasaka Bhutan. Welcome, brother, welcome. Welcome to Bhutan. और भूटान का इस तरफ हम, और यार बहुत ही खतरनाक यार, जाएंगे नहीं वहाँ पे, टूटा हुआ है भाई। ये देखो मेरे पीछे पूरा भूटान है, ये देखो यहाँ से पूरा भूटान नज़र आ रहा है शायद, होप आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं, बट यहाँ से मुझे भूटान का फैक्ट्रीज या फिर भूटान की खूबसूरती मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। बट ये नदी जो है, ये वाला नदी, उस इस नदी का उस तरफ है भूटान और इस तरफ है इंडिया और मैं और हम सब, और उस तरफ है भूटान। सो बाय द वे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आकर के, तो एक पिक तो बनता है यार। भूटान से भूटान नज़र आता है, तो एक पिक तो बनता है। आज पिक लेने वाला कोई भी नहीं है, पिक तो मुझे ही अकेला लेना पड़ेगा। चलो, दिस इज़ भूटान। ये बड़ा मज़ा आ रहा है। हो गया आज का। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा घर है, घर दिख रहा है ऊपर में, कहाँ है, यहाँ पे घर दिख रहा है देखा, तो वो वहाँ का रनचंडिंग है। और वहाँ का जो गुम्फा है ना, बड़ा सा गुम्फा, सभी फेमस गुम्फा फुलचिलिंग का या फिर भूटान का, वहीं पे जाना पड़ता है और वहीं से आप इंडिया को पूरे अच्छी तरह से देख सकते हो। और पूरा ये नदी जो है, ये बड़ा सा नदी आपको दिख जाएगा, ये कलजनी नदी है, मतलब ये कलजनी नदी है। और जब यहाँ पर भर जाता है ना पानी, तो यहाँ का आधा भूटान उठ करके पानी के साथ में बह जाता है। तो मैं आपको बताया था ना, ये वाला वहीं वाला है यार। आजकल वहाँ पर जाने के लिए ना बहुत पैसे का ज़रूरत है, 2000 रुपया ले लेता है वो विज़िट करने के लिए इंडिया वाले से। मुझे यहाँ पे रास्ता पता नहीं चल रहा है,
करेक्ट रास्ता कौन है, बट ये रास्ता मैं एक बार जा कर के देखता हूँ मैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। ये देखो ये रास्ता बंद है, जाने के लिए शायद नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। अंकल उधर जाने के लिए नहीं मिलेगा क्या, ये बंद है अंकल? चलो यार बंद है, खोलना पड़ेगा शायद, शायद नहीं मिलेगा या फिर मिलेगा पता नहीं यार। ये गेट तो बंद है, किसी का प्रॉपर्टी में यार हाथ भी लगाना नहीं चाहिए। शायद अंकल जी खोल देगा अभी, शायद अंकल जी मेरे लिए खोल रहा है। वो डर इतना दूर से आया हूँ ना इसीलिए। ओके थैंक यू अंकल। भाई साहब आप लोग कहाँ जा रहे हो, नदी में नहाने के लिए? वो घर ही है ओ भूटान के बगल में ना, भूटान से आ? कहां से आप लोग, भूटान का हो ना इंडिया का हो? इंडिया का ओ, नदी का उस तरफ भी है क्या घर? नदी का उस तरफ भी है? इस तरफ है ना, ओ हाँ 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 हाँ, वाह तो भूटान से परोसी हो ना भूटान का? नहीं जाते, जाने नहीं देता, पहले जाते थे। वाह अभी तो बंद हो गया ना, अभी स्कूल आया था क्या? चलो आ जाओ मैं थोड़ा घूम लेता हूँ आप लोग का गांव। इधर से जा रहे हो, उधर भी रास्ता है? ओके ठीक है। भाई सेंट्रल डुअर्स काफी खूबसूरत है यार, आग जाया करो यार ये सब घूमने के लिए, ऐसे ही घूम के मत चले जाओ, बेहतरीन से बेहतरीन। यहाँ से देखेंगे यार, ये देखो भूटान भाई। फिर से आ गया था भूटान, ये इंडिया आ रही है भूटान, और उसका नीचे घर है, उस तरफ भी है घर। वाह मैं तो देखा ही नहीं था यार, इस तरफ पूरा गांव बसा हुआ यार। ओह माय गॉड ये देखो यहाँ पर, हो मैं यार बाइक इधर ही छोड़ देता हूँ। देखो इस तरफ इंडियन गांव है और उस तरफ भूटान है। चलो और भी करीब से देखते हैं यार, और भी करीब से जानते हैं इंडिया को, क्योंकि आप लोग देखते ये सब इंडिया कभी घूमे ही नहीं होंगे आप लोग, मैं आप लोगों को घुमा रहा हूँ आज। बट यहाँ पे बाद में दिक्कत हो सकता है मुझे गाड़ी चढ़ाने के लिए, बस चढ़ा लेंगे यार। डिस्क्राइब इंडिया यार, डिस्क्राइब। काफ़ी स्टीफ है, कुछ भी हो सकता है यार। ओहो व्हाट इज दिस भाई, बाद में गाड़ी चढ़ेगा कि नहीं मुझे डाउट भी लग जाता है। चलो भाई बट इंडिया को आज खोल के देखेंगे यार। ये है इंडिया भाई, इनक्रेडिबल इंडिया, बिल्कुल बॉर्डर के सामने। बट यार ये अगर नहीं देखोगे ना आज, ये अगर नहीं घूमोगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, रियली मैं कहता हूँ यार। यहाँ पे आओ एक बार घूमो तभी तो मज़ा आएगा। वो दो बच्चे का घर शायद इधर ही है, देखो लग चुका है ना यहाँ पे, ये है इंडिया का घर। यहीं पे लास्ट है भाई, यहाँ से और नहीं जाएगा, यहीं पे लास्ट है इंडियन गांव, दिस इज़ द लास्ट इंडियन विलेज। हाँ हु रियल यार देख लो, दिस इज़ द लास्ट इंडियन विलेज। आपको यहाँ से अगर जाना है तो पैदल और जाओगे, अब यहाँ से आप मोटर ले के नहीं जा सकते, यहाँ पर पैदल आपको जाना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे नंबर WB का है यार, वेस्ट बंगाल का, और इसका उस पार भूटान मिल जाएगा आपको। आइए आंटी जी से पूछ के एक बार वीडियो कर लेते हैं, तो चलिए चलते हैं यहाँ से देखते हैं। ये देखो मुर्गी, ये है इंडिया, और उसका उस तरफ जाएंगे तो भूटान, यहाँ पर नदी वो है। ओह यार क्या रास्ता है, देखो मेरा दिल जीत लिया यार, वो नदी है देख, काफ़ी मज़ा आ गया सब घर घूम के। देखो काफ़ी सारा घर है यहाँ पर, और यहाँ पे भूटान का फैक्ट्री दिखता है। हाँ पता नहीं कौन सा फैक्ट्री है भूटान का, बट यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक इंडस्ट्रीज है भूटान का, और ये गांव देख करके मज़ा आ जाएगा आपको भी यार। चलो थोड़ा गांव का वहाँ से देख लेते हैं, और यहाँ पे देखो ये पाइपलाइन बैठा गया शायद पानी के लिए, शायद पानी इरीगेशन के लिए, बट अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है। बट जो भी बोलो ये बसरा नदी है, और यहाँ का ये छोटा छोटा घर, और इंडिया का आदमी ना क्या करता है वहाँ पे जा कर के नहा सकते हैं नदी का उस पार, बट यहाँ से कहाँ कैसे जाएंगे पता नहीं, किसी को पूछना पड़ेगा
कि हम उस पार जा सकते हैं कि नहीं, मतलब वो नदी तक जा सकते हैं कि नहीं, पूछना पड़ेगा कहाँ पे रास्ता है। देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे घर है, देखो लास्ट इंडियन हाउस, लास्ट इंडियन विलेज, लास्ट इंडियन टॉयलेट, ये देखो लास्ट इंडियन टॉयलेट, और यहाँ से रास्ता, और यहाँ से हम नदी पे जा सकते हैं भाई। भाई ये कोई साधारण टॉयलेट नहीं है, हो सकता है आपको ये देखने के लिए साधारण टॉयलेट लग रहा है, बट ये टॉयलेट है ना, ये लाजवाब है, क्योंकि ये लास्ट इंडियन टॉयलेट है नियर भूटान, और ये लास्ट इंडियन पक्के का घर है जो नियर भूटान, इसका आगे कच्चे का घर मिल जाएगा। मैंने बाइक ऐसे ही छोड़ के आ गया यार, लॉक भी नहीं किया। ये देखो भाई, वो देखो भाई, वो भूटान है और ये इंडिया है। मैं इंडिया की ओर से जा रहा हूँ, भूटान का सारा फैक्ट्री वहाँ से दिख रहा है। शायद मुझे नदी तक जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, अब कि मेरा गाड़ी कोई चोरी करके ना ले जाए। यहाँ पे घर था शायद पहले, अभी देखेंगे उस तरफ में घर में चढ़ने के लिए कुछ एरिया है कि नहीं। देख यार, अभी उस तरफ भी कुछ घर बसा हुआ है इंडिया का। ये देखो यहाँ पे, ये बसरा नदी के सामने, और मैं यहाँ पे था, वहाँ पे देखो कुछ घर है, अभी यहाँ पे भी कुछ घर था शायद, अभी बन रहा है। बट मुझे देख कर लगता है इनको यार हेल्प की ज़रूरत है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी गरीब परिवार से लगते हैं। अभी घर में ही से टूटा फूटा है, बट प्लास्टिक व्लास्टिक का छावनी दे करके रखा है। कोई अगर देख रहा है, कोई अगर मतलब इन लोग को हेल्प करना चाहते हो, तो आप इन लोग को आकर के हेल्प कर सकते हो। इन लोग का लास्ट भूटान बॉर्डर में इनका घर है, उस तरफ है भूटान और इस तरफ है इन लोग का घर, बट लगता है यार काफ़ी गरीब है, घर देख के पता चलती है। ये जो घर दिख रहा है ना झोपड़ा जैसा, वो इंडिया का लास्ट घर है भूटान के नज़दीक सेंट्रल डुअर्स की ओर से, और यहाँ से काफ़ी हटके और काफ़ी मज़ेदार प्लेस है ये। आप यहाँ पे वन नाइट स्टे कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई होम स्टे या फिर ऐसा कुछ होटल वगैरह रिसोर्ट वगैरह आपको नहीं मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ पे हम इंतज़ाम कर सकते हैं, अगर इस एरिया में विजिट करना चाहते हो, नाइट गुजारना चाहते हो, तो हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये देखो खूबिया भाई, हम इससे बात करेंगे नन्हे मुन्ने बच्चे से। मैं बाइक इधर ही छोड़ा शायद। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नदी नहाने, साबुन लेकर जा रहे हो? और नदी में नहाने देता है इंडिया वाला को? आप लोग इंडिया के हो ना, और उस तरफ भूटान के? छे आप लोग तीनों बहन है, आप अलग है? ये वो आपका भाई है? ओ भूटान का फैक्ट्री है ना, और ये इंडिया का लास्ट मंदिर है। ये इंडिया, वो है भूटान। अच्छा कम मार दिया, आजा आजा चिट्टू आजा, क्यों आयो? इतने तेरे बाटो चाहिए ना, बाटो चाहिए ना। हो ये देखो भाई, यहाँ पे इंडिया का लास्ट पंप है, और यहाँ पे अभी ये बच्चे लोग अभी नहाने के लिए जा रहे हैं पानी में, बसरा नदी में। और क्यों, हाँ कैमरा माँ, हाँ उदय सा, दिस द रिवर भाई, यहाँ पे छोटा सा रिवर है बस, उसका उस तरफ भूटान है और इस तरफ इंडिया। बल्ले बल्ले, हम थोड़ा पानी छू के आ रहे हैं साहब, इस तरफ जाना मना है, इस तरफ से आएंगे। हो देखो पानी, हो यहाँ पे पानी पीने के लिए ले जा रहा है यार इस एरिया में। ओ हो हरामी, ओ क्या नदी है यहाँ से, ओ इधर नहीं है रास्ता, ओ कुआ है ना, ओ नहाने के लिए। देखो यार क्या, हाँ साफ है कि, ओ मैं डर गया था, डर डर। ओ किधर नहाते हो आप लोग, उधर उधर, ओ यहाँ ठीक है, जाओ नहा के आ जाओ, मैं इधर से घूम के जाता हूँ, थक गया होते आते। ओ भूटान है, वो क्या नाम है उसका जगह का, हाँ उगन भेड़ा, उगन भेड़ा, जाओ टाटा। चलो भाई ये बच्चे लोग नहाने के लिए जा रहे हैं अभी अभी। ओ
ला तो हम चलते हैं भाई। ये रहा भूटान है, ये मैं भूटान का बिल्कुल करीब में पड़ा हूँ यार। यही नदी है जो भूटान को आमने सामने से अलग करता है। इस तरफ इंडिया है, ये है इंडिया का लास्ट पंप घर, और ये भूटान का क्या उड़न भेड़ा ना क्या जगह का नाम है। बट जो भी हो, मज़ा आया यहाँ पर पहुँच के भाई। ये अगर देखना चाहते हो ना तो प्लीज़ विजिट सेंट्रल डुअर्स और यहाँ तक आ जाओ, मज़ा आ जाएगा आप लोग को सभी को। रियली यार, रियली रियली रियली। अभी वक्त है यहाँ से निकलने का, तो मैं इंडिया का लास्ट सिटी लास्ट विलेज विजिट किया भाई आज, मज़ा आ गया। शायद आज तक कोई यूट्यूबर यहाँ तक पहुँचा नहीं होगा, मैं ही फर्स्ट हूँ जो इस एरिया को आज कवर किया। अच्छा लगा, और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। स्पेशली कलचिनी व्लॉग, आप इतने दूर तक फैले हुए हैं, यहाँ तक आपने इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम किया हुआ है, थैंक यू इनके लिए।